सर मुझे आपसे ये बताना है कि जो हमारे कॉलेज का रिजल्ट आया है दैट इज इस बार, ये नहीं कि सर इसी बार हमारे कॉलेज का रिजल्ट खराब हुआ है, हम पिछले 3 सालों से इस कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी मैं 5th semester में हूँ, इस बार इस कॉलेज का रिजल्ट सिर्फ 30% है सर, यहाँ तक कि जो एब्सेंट लड़कियाँ वो भी पास की हुई हैं इन्होंने, हाँ जी, और सर जो रीवेल की फ़ी है वो है 900 rupees, मेरी जो प्रिंसिपल सर से इस बारे में बात हुई, जब मैंने सर से ये चीज़ पूछी, सर आपने रीवेल की फ़ी इतनी ज़्यादा रखी हुई है, आपने एब्सेंट लड़कियाँ कैसे पास कर दी हैं सर, जब हमने लड़कियों की अटेंडेंस शीट मंगवाई, जब उनका देखा वहाँ पे चेक किया एंड लड़कियाँ वहाँ पे एब्सेंट थी सर, और PDF में लड़की पास हुई है, शी गॉट 200 something marks, एंड सर प्रिंसिपल सर ने हमें ये चीज़ कही कि डोंट वरी, हम आपका रिजल्ट जो है रिवाइज करवाएंगे, बट सर नेक्स्ट डे जब हम सर के पास जाते हैं, सर अपनी स्टेटमेंट पे ही बिल्कुल नहीं है, सर कहते हैं कि मैंने कब कहा ऐसा, सर ये लोग बच्चों को इतनी मेजोरिटी में इसलिए फेल करते हैं कि जो हमारा रीवेल का इनको पैसा जाता है 900 लगा लो सर, अगर 250 लड़की फेल है तो 900 रुपए रीवेल की फीस है, 2.5 लाख रुपए सीधा सीधा इनको जा रहा है। 48% रिजल्ट आया है, वो एक ही पेपर है, इनकम टैक्स का पेपर है बच्चों का, जो मैथमेटिकली पेपर है वो बिल्कुल बच्चों ने वहाँ पर लिखा कुछ नहीं है, वो उनको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस है, मैंने बच्चों को सब कुछ बताया बेटा ये आप, अब वो कहते हैं कि हमें इसको अभी रिवाइज करो और अभी पास कर दो, और वो तो एक सिस्टम है ना, मैंने कहा RTI लगाओ, रिवेल्यूशन करवाओ, अगर आप रिवेल्यूशन में पास होते हैं आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन अस, कहते नहीं अभी ऐसे में पास कर दो, तो बताओ एक कॉलेज या सिस्टम है, कोई किसी का घर का कॉलेज तो नहीं है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे हम लोगों को पास करते रहेंगे, तो आज एक ग्रुप आया, कल को 10 ग्रुप और आएंगे, और वो प्रोविजन ही नहीं है कि हम बिना RTI के बिना रिवेल्यूशन के किसी को पास। मैं बच्चों को यही अपील करना चाहता हूँ, मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, नो बॉडी कैन फेल यू, बाकी रिवेल्यूशन कराइए, RTI लगाइए, कहीं भी कोई आपकी उस कॉपी में कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है तो फिर पूरी इंस एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए जिम्मेदार होगी, हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे, अपनी जान तक निकाल देंगे कहीं गलती हुई होगी तो।